एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी में पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 है स्वच्छता। क्या है स्वच्छता? मतलब हमें अपने आसपास मोहल्ले में सभी जगह क्या रखनी चाहिए? स्वच्छता। कभी भी हमें रास्ते में कुछ नहीं फेंकना चाहिए। हम आगे इस पाठ को पढ़ने चलते हैं बच्चों। हमारा पहला पेज है, मोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। यहाँ देखिए, दो मित्र हैं। कौन दो मित्र हैं? अजय और मोहन। मोहन जो होता है चौथी कक्षा में पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है। खेलकूद में भी वह सबसे आगे रहता है। अजय उसका सबसे अच्छा मित्र है। दो दिन से अजय विद्यालय नहीं आ रहा है। वह क्या है? बीमार है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि अजय विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है और वह बीमार क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा पेज देखिए बच्चों। यहाँ देखिए, मोहन अजय का हाल जानने उसके घर गया। मोहन जो होता है वह अजय का हाल जानने कहाँ जाता है? घर। मोहल्ले में पहुँचते ही मोहन को बहुत बदबू आई। मोहन को बहुत बदबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि अजय के मोहल्ले में इतनी सारी बदबूदार चीज़ें सब एक जगह इकट्ठा कूड़े में फेंका हुआ था। उसने देखा गली के दोनों ओर नालियों में पानी रुका है, गड्ढों में गंदा पानी भरा है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। मोहन ने क्या देखा? अजय के मोहल्ले में जगह जगह नालियों में गंदा पानी भरा है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। किसके ढेर लगे हैं? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे बच्चों, अगले पेज पर। यहाँ देखिए बच्चों, यह कौन है? अजय। अजय क्या है? बीमार है। चारों ओर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं। सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। नाक पर रुमाल रखे मोहन अजय के घर पहुंचा। वहां पता चला अजय और उसकी दादी दोनों बीमार हैं। अजय और उसकी दादी जो होती हैं, दोनों ही क्या होते हैं? बीमार होते हैं। दादी सर्दी से कांप रही थी, उन्हें तेज बुखार था। अजय भी कंबल ओढ़े लेटा था। अजय की माता ने बताया इन्हें मलेरिया हुआ है। तो बच्चों यह अजय है। अजय कंबल ओढ़ के देखो लेटा है, उसे क्या हुआ है? मलेरिया हुआ है। और मलेरिया यह मच्छर के काटने से होता है। ठीक होने में अभी कुछ दिन लगेगा। यह कौन बोलता है? दादी बोलती है मोहन से। मोहन ने पूछा, माता जी आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? मतलब जो मोहन होता है अजय का मित्र, वह माताजी से पूछता है, दादी से या उसकी मम्मी से पूछता है कि आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका वाले इसे साफ नहीं करवाते? तो आगे हम देखते हैं अगला पेज पे। तो बच्चों जो अजय की माताजी बोली, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आती है और जगह जगह कूड़ेदान भी है। मतलब क्या बोलती है? नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग ही सफाई का ध्यान नहीं रखते। वे गली में कूड़ा फेंक देते हैं जो नालियों में भी भर जाता है। मतलब जो वहाँ के लोग होते वही सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। वे कूड़ा करकट इस तरह फेंकते हैं कि नालियों में भी चला जाता है, जिससे नालियों में भी पानी गंदा रुक जाता है और जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में और गंदगी में ही पैदा होते हैं बच्चों। अगले दिन कक्षा में मोहन ने बताया कि अजय को मलेरिया हुआ है। उसके मोहल्ले में गंदगी होने की भी बात बताई। अध्यापक जी कहने लगे, मलेरिया एक भयंकर रोग है।
तो मलेरिया कैसा रोग है? तो एक भयंकर रोग है। यह गंदगी से फैलता है। गंदगी और रुके हुए पानी पर पलने वाले मच्छर ही इस रोग को फैलाते हैं। तो बच्चों, जो मलेरिया यह जो रोग है वह एक प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलता है। और वह मच्छर कहाँ होते हैं? गंदगी में और रुके हुए पानी में पलते हैं। एक खास तरह के मच्छर के काटने से यह रोग होता है। तो मलेरिया एक अलग प्रकार के मच्छरों के काटने से, खास प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। तो बच्चों, अगले पेज पे हम चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यह कौन है? यह एक डॉक्टर है। कौन है? डॉक्टर है। सुधा ने कहा, मच्छर ही मलेरिया फैलाते, यह कैसे पता चला? मतलब सुधा जो उसकी अजय और मोहन की क्लास में पढ़ती है, वह पूछती है कि मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं, यह हमें कैसे पता चला? तो अध्यापक जी ने बताया, आज़ादी से पहले भारत की फौज में एक अंग्रेज डॉक्टर थे। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत की जो फौज होती है उसमें एक अंग्रेज डॉक्टर थे जिनका नाम था रोनेल्ड रॉस। क्या था? रोनेल्ड रॉस। जो यह वैज्ञानिक का चित्र दिया है, यह कौन है? तो रोनेल्ड रॉस है। इसी वैज्ञानिक, मतलब इन्हीं वैज्ञानिक ने, मतलब इन्होंने ही जो यह मच्छर कैसे फैलता है, या कौन सी बीमारी, या किस टाइप से मच्छरों से फैलता है, यह सब किसने मतलब सर्च किया था, या किसने, किसके द्वारा हमें पता चला? तो रोनेल्ड रॉस के द्वारा हमें यह सब पता चला था। उन्होंने ही इसका पता लगाया था। डॉक्टर रोनेल्ड रॉस ने कई बीमार फौजियों की जांच करके मालूम किया कि उनके रहने की जगह के आसपास गंदे पानी से भरे गड्ढे थे। वहां अनेक मच्छर पल रहे थे। उन्होंने कई तरह के मच्छरों की जांच की। उन्हें पता चला कि एक विशेष प्रकार का मच्छर ही इस बीमारी की जड़ है। मतलब कि यह बीमारी कैसे फैलती है, क्यों होती है, और यह किसके द्वारा फैलती, यह सब किसने पता लगाया था? तो यह वैज्ञानिक है ना, रोनेल्ड रॉस, इन्होंने ही सब पता लगाया था। उन्होंने लोगों को बताया कि मलेरिया से बचना है तो मच्छरों से बचो। तो उन्होंने क्या बताया सभी को? मलेरिया से बचना हो तो सबसे पहले मच्छरों से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हमारा अगला पेज। तो बच्चों, यहाँ देखिए, कक्षा में सभी सोच रहे थे कि उनके घर के आसपास गंदे पानी का कोई गड्ढा या नाली तो नहीं है। मोहन यह सोच रहा था कि अब तो अजय के मोहल्ले की सफाई बहुत जरूरी है। मतलब जब अध्यापक जी उस बीमारी के फैलने के बारे में, या बाकी सब जानकारी जब अजय बाकी सब बच्चों को देते हैं, मोहन को देते हैं, तब सभी क्या सोचते हैं कि अब तो अजय के मोहल्ले में क्या होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। रविवार के दिन सभी बच्चे अध्यापक जी के साथ अजय के मोहल्ले में गए। रविवार के दिन सभी अध्यापक और बच्चे अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक झाड़ू और टोकरी थी। बच्चों ने गली के एक सिरे से सफाई करनी आरंभ की। रविवार के दिन जब बच्चे और अध्यापक अजय के मोहल्ले में गए, तो सभी झाड़ू टोकरी लेकर गए, क्योंकि उन्हें अजय के मोहल्ले की सफाई करनी थी। क्यों सफाई करनी थी? क्योंकि मच्छर फैल गए थे, मच्छरों से सभी को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला पेज। यहाँ देखिए बच्चों, देख मोहल्ले के अन्य लोग भी इस काम में जुट गए। देखते ही देखते नालियाँ और गली साफ हो गई। अध्यापक जी ने वहाँ खड़े सभी लोगों को समझाया, हमेशा घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, कूड़ेदान का ढक्कन बंद रखें, घर के आसपास सफाई रखें
और गड्ढों को भर दें। मतलब अध्यापक जी वहाँ के सभी खड़े हुए लोगों को समझाते हैं कि हमेशा हमें घर का कूड़ा जो क्या कचरा निकलता है वह सब हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नालों में या गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। जिससे और कूड़ेदान हमेशा जो ये कूड़ेदान होता है इसका ढक्कन हमेशा कैसा होना चाहिए, ढक्कन बंद रखना चाहिए, जिससे इसकी गंदगी इसकी दुर्गंध डब्बे से बाहर भी ना आ सके। और घर के आसपास हमेशा क्या होनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। और अगर कहीं गड्ढा है उसे मिट्टी से भर देना चाहिए, क्योंकि अगर गड्ढा है तो वहाँ पानी इकट्ठा होने की संभावना रहती है। अगर गड्ढा हम मिट्टी से भर देंगे तो वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होगा और वहाँ मच्छर भी नहीं फैलेंगे। नालियों में पानी न रुकने दें, गंदगी से ही रोग फैलते हैं। इस प्रकार हम नगरपालिका की भी सहायता कर सकते हैं। जो नगरपालिका के लोग हमारे मोहल्ले में या हमारी गलियों को साफ करते हैं उनको भी हम उनकी भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, अगर हम अपनी सहायता खुद करें तो। अगर हम अपने मोहल्ले की अपनी गलियों की सफाई खुद कर लें तो उनका काम थोड़ा कम हो जाएगा। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा, हम आपकी बात समझ गए, अब हम मोहल्ले को हमेशा स्वच्छ रखेंगे। तो जो मोहल्ले का एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति क्या, वैसे तो सभी समझ जाते हैं, पर एक व्यक्ति बोलता है कि अब हम सर आपकी बात समझ गए हैं, अब हम अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे। तो हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए और कूड़ेदान का ढक्कन बच्चों हमेशा बंद रखना चाहिए। आप सभी को भी अपने घर में यही करना है। बच्चों यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।